डब करने वाले हैं ये वो ट्रकबल की रिफतों से देखिए बुलर की झील। मैं इनका इस्तकबाल करना चाहूंगा, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। इस्तकबाल 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 गुलर ये पलके बिछाए सब यहाँ पे इंतजार में हैं आपकी। इस तरह से जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग बांडीपुर जनाब इम्तियाज साहब और यहाँ की टीम जिला इंतजामिया बांडीपुरा के सीनियर ऑफिसर्स साहब आपके साथ आपके हमरा तशरीफ फरमा है। की तरफ से जो ड्रेजिंग का काम था वो आज जो फेस्टिवल रहा जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी जो आर्मी है उन्होंने मिलकर के ये काम किया है, काफी अच्छा रहा, काफी लोग इसमें शिरकत किए हैं। विंटर में यहाँ काफी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से दूसरे पार्ट से बर्ड्स आते हैं और मुझे लगता है कि उन दिनों में भी जैसे पिछले साल भी एक किया था वैसा ही फेस्टिवल्स उपमा करने जा रही है। उसके डेट्स वो शॉर्टली नोटिफाई करेंगे, एक वीक पर्टिकुलर नोटिफाई करेगी, एक या दो दिन का वो फेस्टिवल करेंगे ताकि यहाँ भी जो है उलर के बारे में भी लोगों को पता हो और उलर के अगल बगल में भी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ भी लोग जाए। टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, 2019 के पहले सालाना औसतन 5 लाख टूरिस्ट वैली में आता था अगर हम अमरनाथ जी के यात्रा का जो पिलग्रिम्स है वो माइनस करेंगे तो। आज जो है ये टूरिस्ट सालाना तकरीबन जो है 20 लाख तक गया है। इसी साल का 2022 का अगस्त एंडिंग तक का जो आंकड़ा है वो 20 लाख हो गया है और 4 महीने बाकी है। ये आने वाले 1 या 1.5 साल में और उसमें जो है 5 से 7 गुना बढ़ोतरी होने जा रही है। जब हमारी रेलवे यहाँ कनेक्टेड हो जाएगी, हाईवे का काम जो रामबन जिले में पेंडिंग है वो मुकम्मल हो जाएगा और एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन करने जा रहा है वो मुकम्मल हो जाएगा।